हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन फ्लेम भारत चैनल। तो आज न्यू मून है, न्यू मून की एनर्जीज चेक इन करेंगे। पहले हम मैस्कुलाइन से स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे कि मैस्कुलाइन के एनर्जी अपडेट्स क्या हैं, एंड देन थोड़ी सी हम एंड में जो रीडिंग करेंगे वो करेंगे फेमिनाइंस के लिए। तो चलिए अब हम मैस्कुलाइन की एनर्जी अपडेट के लिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि उनके इस टाइम एनर्जी फील्ड में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे मैस्कुलाइन्स इस टाइम पे टावर मूवमेंट से निकल रहे हैं। एंड बहुत सारे मैस्कुलाइन्स इस टाइम आपको हार्ट चक्रा में वो पेन एंड हार्ट चक्रा में वो अपने ट्विन की एनर्जी फील हो सकती है। यू कैन फील अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑल्सो ऑन दिस पाथ। तो देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट है मैस्कुलाइन्स के लिए। आई फील कि मैस्कुलाइन्स का बॉटम ऑफ डेक जो निकला है वो नाइन ऑफ पेंटिकल्स निकला है, और ये फेमिनिन एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ लव को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आई फील कि वो इस टाइम पे अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है उस पर वर्क कर रहे हैं, अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी हो सकता है, ऑन द पैरेलल साइड हो सकता है आप अपनी मैस्कुलिन साइड को बैलेंस कर रहे हो। वो सेंसिटिव हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, जिस वजह से आपको उनकी सेंसिटिविटी फील हो रही हो अपने हार्ट चक्रा में। एंड यू कैन फील कि एक्चुअली उनके साथ क्या चल रहा है एंड व्हाट आर दे गोइंग थ्रू। द स्टार कार्ड निकला है, फर्स्ट कार्ड स्टार कार्ड निकला है, जो कि अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड है, होप का कार्ड है, ड्रीम फुलफिलमेंट का कार्ड है। और जैसे कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्टार का मतलब ये है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है वो इस टाइम होपफुल हैं इस जर्नी को लेकर। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो रीडिंग करी थी उसमें बहुत ज़्यादा डार्कनेस में उनको देखा गया था, और मैंने जैसे बताया इस टाइम बहुत सारे रीडिंग करने से पहले ही बताया, बहुत सारे मैस्कुलाइन्स जो हैं इस टाइम पे वो टार मूवमेंट से निकल रहे हैं, वो टार से निकल रहे हैं। और यस, वो इस टाइम बहुत सारी डार्कनेस से निकल रहे हैं। हम इसको अगर पॉजिटिवली देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि इस टाइम पे जो भी उन्होंने एल्यूजन्स और ईगो पे चीज़ें क्रिएट की हुई थी मैस्कुलाइन्सें, वो उनकी फॉल डाउन होना शुरू हो रही है। उनको कहीं ना कहीं ये जर्नी थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हुई है, व्हाट दिस जर्नी मीन, और ये जर्नी क्या रिप्रेजेंट करती है, ये जर्नी का मीनिंग क्या है, और ये जर्नी आपको और आपके ट्विन को एक्चुअल में कहाँ लेके जाएगी। तो मैं एक और लाइट सीयर टैरो के थ्रू ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो टार मोमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करती है उनकी लाइफ में। जो भी एक्सपेक्टेशंस थी कि कोई जॉब को लेकर या किसी रिलेशनशिप को लेकर या कोई भी चीज़ हो सकती है, वो उसको लेकर दे आर नॉट मच पॉजिटिव जिसको उन्होंने सोचा था। क्योंकि ये टार के ऊपर कार्ड निकला है, तो कोई ऐसा है जिससे उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को आपका ट्विन कांटेक्ट भी करे, वो आपके कांटेक्ट में आए, क्योंकि आपको लेकर वो होपफुल हैं। बट कहीं ना कहीं उनकी जो ईगोइक साइड है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो हो सकता है वो आपको बोलें कि उनको बहुत पेनफुल मोमेंट्स फील हो रहे हैं आपको लेकर। वन डे वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, नेक्स्ट डे यस द लवर्स कार्ड निकला है, वन डे वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, नेक्स्ट डे वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से गुजरते हैं। लाइक इट इज़ लाइक के दे आर इन बिटवीन देयर हार्ट एंड देयर माइंड। तो ये एक बैटल चल रही है उनके अंदर, बट उनको पता है कि ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपके साथ, जो कनेक्शन है दैट इज़ अ हाई डायमेंशन कनेक्शन, ये कोई लोअर डायमेंशनल कनेक्शन नहीं है, दैट इज़ वेरी हाई डायमेंशनल कनेक्शन। तो उनको ये बहुत अच्छे से अंदर से पता है कि आपका कनेक्शन उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आता है, आपका कनेक्शन उनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आता है।
एंड नेक्स्ट कार्ड निकला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो ये भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं कि वो अपनी मेच्योरिटी साइड को डेवलप कर रहे हैं और मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स, उनकी बैक में बहुत सारी ओवर थिंकिंग और वो सब चीज़ें हैं, बट स्टिल वो इस बैटल को लड़ रहे हैं। आपसे रिलेटेड हो सकता है कि वो कोई आर्ग्यूमेंट ना, या किसी से कोई आर्ग्यूमेंट फाइट कर रहे हो, या फिर कोई उनको कुछ बोल रहा हो उसको वो फाइट करने की कोशिश कर रहे हों, और वो कहीं ना कहीं क्योंकि लवर्स के साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स नेक्स्ट निकला है, तो इसका मीनिंग यही है कि वो इस जर्नी को फाइट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये जर्नी एक्चुअल में है क्या, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, और क्यों इतने सारे ओवर थिंकिंग, और आपकी थिंकिंग उनको क्यों इतना परेशान करती है, क्या वजह है जिस वजह से वो आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। अगेन आज बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। लवर्स निकला है पहले, स्टार निकला है, अब मैजिशियन का कार्ड निकला है। मैजिशियन मींस के उनको पता है बहुत अच्छे से कि आप उनकी लाइफ में अबंडेंस लेके आते हो। आप दोनों जब साथ होते हो तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। आप कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट इजिली कर सकते हो, क्योंकि आप उनकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करते हो, कहीं ना कहीं आप उनकी पॉजिटिविटी को भी रिप्रेजेंट करते हो। उनको काफ़ी जो हैवीनेस है उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है, एंड दे कैन रिलैक्स विद यू फेमिनाइन। तो डोंट वरी अबाउट दिस, दिस इज़ अ वेरी, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मैजिशियन मेरा फेवरेट कार्ड है, क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन ऑफ तो मैजिशियन के ऊपर मैंने पूछा कि रियल किससे रिलेटेड है ये। मैजिशियन के ऊपर ये कार्ड निकला एस ऑफ कप्स, विच मीन्स के वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, और उनका हार्ट फुल है लव से आपके लिए, चाहे वो आपसे कांटेक्ट करें चाहे ना करें, चाहे वो आपसे इस बारे में डिस्कशन करे ना करे, बट आपको जो पेन फील हो रहा है हार्ट चक्रा में, वो उनकी एनर्जी है, वो मिस कर रहे हैं आपको, जिस वजह से आपको वो पेन हार्ट चक्रा में फील हो रहा है या लव फील हो रहा है, तो वो भी उनकी एनर्जी है। बिट्रेयल फील हो सकता है उनको, या हो सकता है कि उनके अंदर ये फियर हो कि आप उनको छोड़ के चले जाएंगे, आप उनको अकेला छोड़ देंगे, आप उनको अबैंडन कर देंगे। ये मास्कुलाइन का सबसे बड़ा फियर होता है जिसको उनको फाइट करना होता है, रिजेक्शन का फियर, अबैंडनमेंट का फियर। तो ये फियर उनके अंदर बहुत स्ट्रांगली डेवलप्ड है कि आप उनको अबैंडन कर देंगे, आप उनको छोड़ देंगे, आप उनको छोड़ के चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि पास्ट में वो छोड़ के गए आपको, उसके बारे में भी वो एनालाइज कर रहे हैं कि अगर आपके ट्विन आपको छोड़ के गए या आप छोड़ के गए, तो दे आर थिंकिंग अबाउट दिस कि क्यों हुआ ये, इसके पीछे की क्या वजह क्या थी, कि क्या हमारे बीच में कमी क्या रही जिस वजह से हम साथ नहीं आ पाए। तो उसको भी एनालाइज हो सकता है वो कर रहे हों। और वाओ, बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आज मैस्कुलाइन्स के निकले हैं। द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, मैजिशियन, लवर्स। देखिए, हो सकता है टावर मूवमेंट की वजह से, ये जो टावर मूवमेंट का कार्ड यहाँ पे निकला है उसकी वजह से आप अभी पॉजिटिव साइड नहीं देख पा रहे। तो एज अ थर्ड पर्सन मैं आपको यही रिप्रेजेंट यहाँ पे करना चाहती हूँ कि आप उसको नहीं देख पा रहे, बट आपके ट्विन आपको लेकर इस टाइम बहुत पॉजिटिव है। मेरे को बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि इतने सारे मेजर कार्ड्स इसके अंदर निकले हैं। बहुत सारे मेजर कार्ड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे मेजर कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं। और ये मैजिशियन निकला है, लवर निकला है, टावर निकला है, उसके ऊपर नाइट ऑफ कप्स निकला है, द स्टार निकला है। तो ये सब जो जो भी कार्ड्स हैं, यू मीन द वर्ल्ड टू देम। आप कांटेक्ट में हो चाहे नहीं हो, यू मीन द वर्ल्ड टू देम। वो आपको एक्सप्रेस करें इस चीज को, बेशक से ना करें, यू मीन द वर्ल्ड टू देम।
और उनको शायद ये बोलने की जरूरत भी ना हो। आप में से कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि मैम अबंडेंस अपनी लाइफ में कैसे लाए, ये पायराइट है, पायराइट का ब्रेसलेट है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ये बाय करने के लिए, या आपकी लाइफ में जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं अबंडेंस से रिलेटेड उसको क्लियर आउट करेगा और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आएगा। तो चलिए अब हमने कर ली मास्कुलाइंस की रीडिंग, एंड में हम सजेशंस फेमिनाइंस के लिए क्या है वो देख लेते हैं, और हम लव कार्ड निकालेंगे पहले मैस्कुलाइंस की तरफ से कि आपके लिए तीन लव मैसेजेस, वो उनकी हायर सेल्फ आपको क्या तीन मैसेजेस देना चाहती हैं, क्या वो बोलना चाहते हैं आपको। तो फर्स्ट निकला है यू मेक मी सिक्योर, यू कैन सी आप उनको सिक्योर फील करवाते हैं। सेकेंड निकला है यू लव मी द वे नो बडी एल्स डज, ऑफ कोर्स आपको आपका ट्विन ही उस तरह से प्रेम कर सकता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, कि आप उनको उसी तरह से प्यार करते हैं जिस तरह से कोई भी नहीं कर सकता। और सबसे लास्ट निकला है यू नेवर गिव अप ऑन मी, तो उनकी तरफ से कार्ड है कि आप जितना मर्जी कोशिश कर रहे हो गिव अप करने के लिए, आप सोच रहे हो मैं इस जर्नी में गिव अप कर दूं, पर आप गिव अप नहीं करते, जो कि उनकी हायर सेल्फ को बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये लाइट सीयर टैरो में से निकाला है, और आप लोगों के लिए भी फेमिनाइन स्टार टार मूवमेंट निकला है, तो ये टार इफेक्ट आप दोनों की लाइफ में इस टाइम चल रहा है जो कि चेंज लेके आएगा। और चेंज हमें पता है कभी भी पॉजिटिविटी से पहले हमें नेगेटिविटी को क्लियर करना होता है, तो ये टार आप दोनों की लाइफ में है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, जिस वजह से ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आप पॉजिटिव साइड इस टाइम नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव आगे नहीं देख पा रहे, आगे का नहीं देख पा रहे या फील नहीं कर पा रहे कि ओके ये क्या है। तो कोई भी चीज आपको हो सकता है ट्रिगर कर रही हो अपने ट्विन से रिलेटेड, और आपको फील हो रहा हो कि ये मुझे क्यों शो किया जा रहा है बार बार, ये क्यों दिखाया जा रहा है, या ये एक पैटर्न बार बार क्यों रिपीट हो रहा है, वो आपके अंदर बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकता है। और टू ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपने फाइनेंसिस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं, आप अपने फाइनेंसिस को लेकर क्लियर नहीं हैं, आप अपने फाइनेंसिस को लेकर काफ़ी परेशान हैं, और दो चीज़ों के बीच फंसे हुए हैं। आपको लग रहा है कि एक को बैलेंस करो दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरे को बैलेंस करो पहला बिगड़ जाता है, और ये आपकी लाइफ में टू पीपल भी हो सकते हैं कि दो लोगों के बीच में आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कि दोनों को हाथ में पकड़ के द लेडी इज हरसेल्फ सैड। तो आप अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को या अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट दैट ब्रिंग्स इन द एंड टार। अब अपने ट्विन फ्लेम जर्नी और बाकी जर्नी को क्लियर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बट इन द एंड वो आपके लिए टार मोमेंट लेके आता है। 10 ऑफ कप्स आगे काफ़ी पॉजिटिव आपका अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपके ड्रीम्स हैं कुछ अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ, वो फुलफिल ज़रूर होंगे, 110% होंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स यहाँ पे निकला है, तो दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं कि हमारा अपने ट्विन के साथ जो एक कनेक्शन है, आप चाहते हैं कि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो, आप दोनों की लाइफ में वो लव की एनर्जी, वो अबंडेंस की एनर्जी फ्लो हो। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, कोई चीज मे बी आप अपने ट्विन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं जिस वजह से आप परेशान हो रहे हैं, यू आर फीलिंग एंग्शियस, आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, लोनलीनेस फील हो रहा है बहुत ज्यादा, और आपको लग रहा है कि आगे आपको कुछ दिख नहीं रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये भी आपको नहीं दिख रहा। टार मोमेंट इतना स्ट्रांग है इस टाइम आपकी लाइफ में, रात को आपको नींद नहीं आती ढंग से, और यू आर एक्चुअली फीलिंग वेरी अलोन, आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई नहीं है,
जो आपको समझ सकता है या आपको देख सकता है या आपकी फीलिंग्स को देख सकता है। द हेरोफ्रेंट निकला है, आप नहीं देख पा रहे, पर जो भी चीज़ें टार मोमेंट और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम हो रही हैं फेमिनाइंस, वो आपको ग्रोथ के लिए, आगे ले जाने के लिए ही हो रही हैं। बिलीव मी, आप बेस्ट दे रहे हो इस टाइम पे अपना। बिलीव मी कि आप बहुत ब्यूटीफुली इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, आप अकेला फील कर रहे हो, आप बहुत बार सैड फील करते हो, बट स्टिल आप इस जर्नी पे गिव अप नहीं कर रहे। यू आर नॉट गिविंग अप ऑन दिस जर्नी। तो यहाँ पे ये कार्ड्स आप देख सकते हैं किस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि आप इस जर्नी पे गिव अप नहीं कर रहे, आप कंप्लीटली इस जर्नी में गिव इन कर रहे हैं। लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं क्या है आपका, क्या क्या चीज आपकी लाइफ में, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, समथिंग न्यू स्टार्टिंग। आपका कुछ डिजायर है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, आपकी कोई ड्रीम है जो कि आप विजन कर पा रहे हैं अपनी थर्ड आई में। अब विजन उसका देख पा रहे हैं अपनी थर्ड आई में। वेरी ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे आप कुछ 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 है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, चाहे वो अबंडेंस ही क्यों ना हो, चाहे वो अपने ट्विन के साथ कनेक्शन को आगे ले जाने की बात हो, कुछ भी हो, बट कुछ चेंज, कुछ बिग चेंज लाने को कह रही है आपको इस जर्नी में। तो ये आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। एंड आई एम स्टार्टिंग अ मेंबरशिप, मैं मेंबरशिप का भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इनर वर्क मैं डालूंगी और मंथली पे करके आप वो इनर वर्क की चीज़ें वहाँ देख सकते हैं, जो चीज़ें मुझे हेल्प की। कुछ और हेल्प्स मैं डालूंगी वीडियोस में, विच इज़ मिनिमल है, वो हाई उस लोगों उसकी नहीं रखी मैंने चार्जेस। तो आप लोग जल्दी वो मेंबरशिप का भी मैं लेके आऊंगी जो आप ज्वाइन इन कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको हेल्प की है एंड इट हैज ब्रॉट सम क्लैरिटी इन योर लाइफ। टेक केयर, न्यू मून पे अपना टेक केयर करिए एंड गो अहेड। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं जितना मैं समझ पाई हूँ। नेगेटिविटी नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन आप दोनों की लाइफ में आ रहा है। ये मत सोचिए आप ही की लाइफ में आ रहा है, उनकी लाइफ में भी ये डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं शो हो रहा है। तो आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।